इसी तरह खुल गई। अस्सलाम वालेकुम बेटा जान, आज हम लोगों ने जो काम करना है उसमें एक्टिव और पैसिव की तरफ चलना है। आपका जो पेपर होगा उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट और फ्यूचर इंडेफिनेट का एक्टिव और पैसिव आएगा। तो सबसे पहले आपने बेटा ये देखना है, बेटा हमने करना ये है कि अगर एक्टिव वॉइस की बात करेंगे तो हमारे पास दो अंदाज हैं एक्टिव वॉइस के। चूंकि हम ये कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में अगर आप एक्टिव वॉइस करेंगे तो उसमें एस और एस का इजाफा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ। बस हमें देखना ये है कि अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ रहा है तो फिर हम एस और एस का इजाफा करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर के अलावा है तो फिर हम एस और एस का इजाफा नहीं करेंगे। निगेशन करने के लिए हम डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे और डज नॉट का इस्तेमाल करेंगे, और इसी तरह पैसिव वॉइस करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला बनता है वो सब्जेक्ट जो है उसके बाद इसे वार थर्ड फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट, ये हम लोगों ने देखना होगा। अब अगर हम एक्टिव वॉइस करते हैं आई ये हमारे पास एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है आई बाय अ बुक, तो आई बाय अ बुक जो है इसमें जो वर्ब है बाय है और इसका परफॉर्मर मौजूद है, इसका डूअर मौजूद है इस सेंटेंस में, लिहाजा ये एक्टिव वॉइस है। अगर मैं इसको पैसिव करना चाहूंगा तो बुक इज बॉट बाय मी, बुक इज बॉट बाय मी। तो यहां ये जो सब्जेक्ट है वो डूअर मौजूद नहीं है, तो जब ये डूअर नहीं है तो इसलिए ये पैसिव का सब्जेक्ट कहलाएगा। यहां हमारे पास इसे मार हमने फॉर्मूले के मुताबिक किया था, उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय का इस्तेमाल किया और आगे ये जो सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर प्लेस कर दिया, तो लिहाजा ये जो प्रोनाउन है फिर इसका हमारे पास जो प्लेसमेंट है वो ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल में मौजूद है। तो इस तरह से हम इसको एक्टिव से पैसिव करेंगे। इसी तरह एक और सेंटेंस है बेटा जान, दे हेल्प अस क्या है, दे हेल्प अस असल में है क्या, तो दे हेल्प अस यहां एक्टिव वॉइस है क्योंकि ये जो वर्ब है इसका परफॉर्मर मौजूद है, तो जब इसका परफॉर्मर मौजूद है तो एक्टिव वॉइस है। हम इसको पैसिव में चेंज करते हैं तो अस जो है
प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, लिहाजा अस जो है अगर हम ऑब्जेक्ट की जगह से उठा के सब्जेक्ट की जगह पर लेके जा रहे हैं तो फिर इसका केस भी सब्जेक्टिव हो जाएगा। अब हमारे पास सब्जेक्ट आ गया वी, तो इसके मुताबिक आर और थर्ड फॉर्म बाय, यानी हम लोगों ने किया क्या, हमने यहाँ जो फर्स्ट पर्सन था उसको हमने एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया, तो जब एज अ सब्जेक्ट ट्रीट किया तो ये जगह किसकी बनती है, ये जगह सब्जेक्ट की बनती है, लिहाजा हमें सब्जेक्टिव केस लगाना पड़ेगा। अब चूंकि ये डूअर नहीं है तो इसलिए पैसिव है, ये सब्जेक्ट डूअर नहीं है तो ये पैसिव है, तो पैसिव के फॉर्मूले के मुताबिक हमें सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से इन अकॉर्डेंस विद ग्रामर हम यूज करेंगे एलपी वर्ब, तो ये आर आएगा, वी के साथ आर यूज करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करने के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास ये दे जो है इसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाना है, तो हम जानते हैं कि ये भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, तो ये जब ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा तो इसकी शक्ल भी ऑब्जेक्टिव कहलाएगी, इसकी शक्ल भी ऑब्जेक्टिव कहलाएगी। दे जो है यहाँ सब्जेक्ट की जगह पर मौजूद है इसलिए ये सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। अब इसको मान के हमने ऑब्जेक्ट की जगह पर लेके जाना है, तो लिहाजा अब ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। इसी तरह अगर मैं एक और मिसाल देखूं, आसिफ सेल्स प्रेयर, आसिफ सेल्स प्रेयर, अब हमें मालूम है कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट मौजूद है प्रेयर, इसको हम सब्जेक्ट की जगह पर लेके आना चाह रहे हैं, प्रेयर। अब हम ये जानते हैं कि ये जो नाउन होता है ना नाउन, इसका कोई केस नहीं होता, नाउन का कोई केस नहीं होता, इसकी जो पोजीशन है वो हमें बताती है कि ये सब्जेक्टिव केस है या ये ऑब्जेक्टिव केस की शक्ल में इस्तेमाल हुआ है। तो याद रखिएगा ये प्रेयर एक नाउन है क्योंकि हालांकि इसका कोई केस नहीं होता। अब ये यहाँ वर्ब के बाद है तो लिहाजा ये ऑब्जेक्टिव केस लगा हुआ है। अब यहाँ हमने इसको शुरू में लिया है, यानी प्रेयर इज सेड बाय आसिफ, तो यहां जो ये प्रेयर लगा हुआ है ये प्रेयर बता रहा है कि ये नाउन है, तो नाउन का कोई केस नहीं होता, तो जब नाउन का केस नहीं होता तो ये हमें बता रहा है कि ये वर्ब से पहले लगा हुआ है तो ये सब्जेक्टिव केस है, इसकी पोजीशन हमें बताती है कि ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। तो प्रेयर इज ये हेल्पिंग वर्ब फॉर्मूले के मुताबिक आया, पैसिव है इसके, थर्ड फॉर्म आई बाय आया, और आसिफ जो है यहाँ ये सब्जेक्ट मौजूद है एक्टिव वॉइस में, अब इसने जाना है पैसिव वॉइस की जगह, तो जब ये पैसिव वॉइस की जगह जाएगा ऑब्जेक्ट की पैसिव करने के लिए ये ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा, तो ये क्योंकि एक नाउन है तो लिहाजा इसका कोई केस सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बल्कि इसकी पोजीशन हमें ये बता रही होती है कि यहाँ ये सब्जेक्टिव है या ऑब्जेक्टिव है। अब यहाँ चूंकि ये वर्ब के बाद आ रहा है तो लिहाजा ये कौन सा केस कहलाएगा, यहाँ ये ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। तो आपने इस बात का बड़ा ख्याल रखना है कि जब आप इसकी फंक्शनैलिटी को डिस्कस करें बेटर का, तो आपको ये बातें बड़ी वाजह होनी चाहिए, क्लैरिटी के साथ ये काम करना है। इसके दो फार्मूले जो बनते हैं ये आपके सामने हैं, यहाँ जो सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सकता है, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इन
सेंटर डाउन आ जाता है, यहाँ जो है दे और प्लुरल नाउन आ सकता है। तो आई जो है, वी जो है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लुरल है। यू जो है वो सेकंड पर्सन है, सिंगुलर भी और प्लुरल भी। और दे जो है वो थर्ड पर्सन प्लुरल है। तो ये वो बातें हैं जो आपने बड़े ध्यान से समझनी है। इसको, इसकी जो फंक्शंस हैं उसको देखना बेटा। इसमें अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आगे एक्सरसाइज करना आपके लिए मुश्किल होगा। लिहाजा एक मिसाल और देख लेते हैं। ही गिव्स मी अ पेन। तो देखिए, ही गिव्स मी अ पेन, यहाँ दो ऑब्जेक्ट आ गए। तो जब दो ऑब्जेक्ट आ रहे हो तो आपके पास ऑप्शन होती है। फर्स्ट ऑप्शन जो होती है वो ये होती है कि आप पहले इन करेक्ट ऑब्जेक्ट में हैं, आई। तो आई एम गिवन, इसका पैसिव हो गया, आई एम गिवन अ पेन, आई एम गिवन अ पेन बाय हिम। अब ये इन करेक्ट ऑब्जेक्ट था क्योंकि लिविंग जो है वो इन करेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो लिहाजा इस तरह से आप इसको टैकल करेंगे। आपने बड़े ध्यान से इसको समझना है। ये आज आपका एक्टिव और पैसिव की जो ड्रिल है ये आप अच्छी तरह समझेंगे बेटा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको आपके वालिदैन की ओर से आसानी अता करे। अस्सलाम वालेकुम।